गाइस दिस इज रायन। अब मैंने खरीदा एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आरसी रोबोट। इसका नाम है कार्ली स्मार्ट ऐप रोबोट। ये रोबोट को हम लोग कंप्लीटली एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्राइस है 10,200 रुपीज। मेरे पास जितने भी रोबोट्स हैं ये उन सबसे ज्यादा महंगा वाला रोबोट है। इसकी सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 9 फ्लेक्सिबल जॉइंट्स दिए गए हैं और एक पावरफुल मोटर दी गई है। यानी कि ये रोबोट की हर एक चीज आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो और ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ में इसके अंदर यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है और इसके हेड के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले भी दिया गया है। तो आज की वीडियो में एकदम तगड़े तरीके से इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं गाइस क्या 10,200 रुपीज इसके ऊपर खर्च करना वर्थ है या फिर नहीं। चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, उससे पहले मेरे पास और कौन से रोबोट है वो आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि ये रहा एक योकू ब्रांड का बलून रोबोट। यहाँ पे भी एक रोबोट है बम्बलबी जैसा है, दिखाई दे रहा है। ये भी एक एडवांस रोबोट है। ये है हीरो रोबोकॉप 2। इसके अंदर रोबोकॉप 1 भी आता है, रोबोकॉप 2 भी आता है। इसको आप कंप्लीटली हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे भी एक फाइटर रोबोट है और एक यूनिक रोबोट दिखाता हूँ। ये है एक डायनो रोबोट। ओके, ये है कार्ली स्मार्ट ऐप रोबोट्स। बॉक्स सच में यार काफी ज्यादा बड़े साइज का, एक ही कलर में मिलता है, वो है व्हाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में। ये बिल्कुल एक ह्यूमन के जैसा इंटरेक्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिए गए। यहाँ पे इसके मेन फीचर्स आप देख सकते हो, एक्शन प्रोग्रामिंग इसके अंदर दी गई है, स्मार्ट इंटरक्शन है, ऐप कंट्रोल है, पावरफुल मोटर्स है, साथ में यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है इसके ऐप को डाउनलोड करने के लिए। चलो बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करने वाला हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। बॉक्स को मैंने यहां से ओपन कर लिया है। यूजर गाइड थोड़ी सी बड़ी मेरे को लग रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए। आज से पहले इतना ज्यादा एडवांस रोबोट बिल्कुल भी नहीं खरीदा। ये मैंने इसको टर्न कर लिया है। ओ माय गॉड, सच में यार ये तो एक बिल्कुल बॉट जैसा दिखाई दे रहा है। और ये रोबोट की वेट की बात करूं तो बहुत भारी भरकम है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। ये इसका डिस्प्ले है और यहीं पे इसके आईज वगैरह भी आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड बोल के दिया गया है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे इसका एक रिकॉर्डर दिया गया है। तो कुछ भी बोलोगे ये वापस से दोहराएगा भी और ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी करके रख सकता है। फ्यूचर एक्स की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे रिदम वगैरह की ब्रांडिंग दी गई है। लेग्स बहुत ज्यादा सॉलिड है, इतनी ज्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का रोबोट मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे इसका स्पीकर वगैरह है, कलर वगैरह इसका बहुत ज्यादा सॉलिड है। पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से आप इसको चार्ज करके यूज कर सकते हो। LED इंडिकेटर इस तरफ दिया गया। इसके अंदर 9 जॉइंट्स होने के कारण आप इसको हर एक जगह से टर्न करा सकते हो। मेरे पास बाकी के जितने भी रोबोट्स हैं उनके अंदर सिर्फ आपको 4 जॉइंट्स मिलेंगे पर इसके अंदर 9 जॉइंट्स दिए गए हैं। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट भी काफी ज्यादा एडवांस है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे रोबोट्स हैं पर इसके जैसा रिमोट मैंने आज से पहले कोई भी रोबोट के अंदर नहीं देखा है। देखते हैं ये रोबोट आज क्या क्या चीजें हम लोगों को करके दिखा सकता है। ये इसका USB चार्जर है, इससे हम लोग रोबोट को बार बार चार्ज भी कर सकते हैं। ये सभी रोबोट्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। चार्ली रोबोट इन सबसे ज्यादा बड़े साइज का है, यहाँ तक कि बाहुबली रोबोट भी इसके सामने छोटा बच्चा लग रहा है। ये बलून वाले रोबोट्स को भी मैंने रेडी कर दिया है। एक्चुअल में इसको ऑन करने का स्विच पीछे की तरफ दिया गया है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद पावर बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके फेस के अंदर यहाँ पे इसकी आईज दिखाई दे रही है। तो अब ये रोबोट क्या क्या कर सकता है दिखा देता हूँ। ये इसका लेफ्ट हैंड है, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इतनी ऊपर तक ये उठ जाता है। अब ये राइट हैंड को भी मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ओवरऑल देखो ये इतना घूम जाता है। साथ में इसके शोल्डर को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, शोल्डर जो है तकरीबन 40 डिग्री तक रोटेट हो सकता है। मैंने आज से पहले ये फीचर कोई भी रोबोट के अंदर नहीं देखा है। साथ में ये अपनी कमर भी हिला सकते हैं, क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया इसको चला के। और भी इसके फीचर्स दिखा देता हूं आराम से, देखो टर्न हो चुका है। अब इसको चला के देखते हैं, एक ह्यूमन जैसा ही ये चल रहा है। साथ में ये इस तरीके से सामने पीछे स्लाइड भी करके चल सकता है। अब इसका सबसे कूल फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे प्रोग्रामिंग का बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ कमांड्स दूंगा, उसके बाद रिमोट को मैंने यहां पे रख दिया है। अब मैंने जो-जो भी कमांड्स ये रोबोट को दिए हैं ये ऑटोमेटिक तरीके से वो सारे कमांड्स यहां पे करके भी दिखा सकता है। ये फीचर भी काफी ज्यादा गजब का दिया गया है। साथ में इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। अब एक और फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे कि ये बटन मैंने प्रेस कर दिया है। अब देखो गाइस ये पूरी तरीके से ब्रेक डांस करके बता सकता है। ये इसका डांस स्टार्ट हो चुका है। अरे बाप रे,
ये देख रहे हो पूरी तरीके से रोबोटिक डांस ये कर रहा है, जो भी म्यूजिक प्ले होती है उसके हिसाब से ही ये डांस करने लगता है। वाह भाई मजा आ गया यार। अब इसके अंदर रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, ये बटन प्रेस करके अब इसके सामने मैं जो भी बोलूंगा वो मेरे को रिपीट करके भी बताएगा। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल चटपट टॉय टीवी, थैंक यू। ओके अब देखो ये रिपीट करेगा। अरे भाई गजब। तो अब ये रोबोट को थोड़ा सा मैं इसके ऐप के साथ कंट्रोल करके आपको बताने वाला हूँ। ये इसका ऐप है, इसके अंदर तीन ऑप्शंस मिलते हैं ऐप को ओपन करते ही, कनेक्ट, लॉन्च, हेल्प। तो मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसका कंट्रोल आ चुका है, तो मैं इसको लेफ्ट में, राइट में, या फिर आगे या फिर पीछे, यहीं से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, इनसे भी आप ये रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया, इसका ये वाला हैंड कंट्रोल करके बताता हूँ। यहाँ से आप इसके हाथ को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, वापस से वही हाथ को नीचे भी लेके आ सकता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो गाइस, इतना ज्यादा कमाल का और इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा स्मूथ रोबोट मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखा है। अब मैं बाहुबली रोबोट को भी एक बार यहाँ पे टेस्ट करके बता देता हूँ। ये चार्ली रोबोट के मुकाबले में थोड़ा सा कम एडवांस लेवल का रोबोट है, पर इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि चार्ली रोबोट के अंदर बिल्कुल भी नहीं दी गई है, वो है इसका वेपन सिस्टम। यहाँ सामने की तरफ एक कैनन है, ये कैनन के अंदर से ये डार्ट्स को फायर कर सकता है, यानी कि इसके सामने जो भी आता है उसको ये काफी दूर से ही नीचे गिरा सकता है। और इसके हाथ भी देखो चार्ली रोबोट के जैसे ऊपर और नीचे आ सकते हैं, पर इसके शोल्डर रोटेट नहीं हो सकते हैं। साथ में देखो यहाँ पे बहुत सारे वायर्स भी लगे हुए हैं, पर चार्ली रोबोट कंप्लीटली वायरलेस रोबोट है। ये हीरोकॉप 2 रोबोट ऑलमोस्ट ये चार्ली रोबोट जैसा ही दिखाई देता है, पर दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। साथ में हीरो रोबोकॉप के ऊपर एक कैनन भी लगा हुआ है। पर ये रोबोट की एक सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो इसको हम लोग कंप्लीटली हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। सामने की तरफ ये तीन डॉट जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर इसके जेस्चर सेंसर्स दिए गए। जैसे ही मैं हाथ को पीछे करता हूं तो ये पीछे जाता है, अगर मैं हाथ को सामने की तरफ लेके आता हूं तो ये सामने इस तरीके से चलने लगता है। साथ में ये कैनन के अंदर से यहाँ से शूट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये रोबोटिक डायनासोर को भी एक बार चला के बता देता हूँ। ये एक बहुत ही अलग लेवल का रोबोट है, इसके अंदर तो भाई काफी ज्यादा कूल फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि ये आगे पीछे तो चल सकता है, इसके कंधे के ऊपर देखो एक रॉकेट सिस्टम भी लगा हुआ है। एक बटन दबाने से ये तीन रॉकेट को इकट्ठा फायर कर सकता है, और इसके रॉकेट बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अब इसके माउथ के ऊपर एक बार नजर डालना गाइस, ये अपने माउथ के अंदर से इस तरीके से स्मोक भी फेंक सकता है। यहाँ पे अब मैंने लाइट्स बंद कर दिए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये अपने मुंह से आग उगल रहा है, जैसे कि एक रियल डायनासोर उगलता है ना, वैसे ही यहाँ पे ये दिख रहा है। भाई काफी ज्यादा गजब की चीज है, नाइट में तो इसको देखकर काफी ज्यादा लोग डर भी जाते हैं। और एक चीज ये रोबोटिक डायनासोर के अंदर मेरे को अच्छी लगती है, वो है इसकी कंट्रोलिंग। आप इसको कोई भी डायरेक्शन में चला लो, ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अब ये बलून वाले रोबोट्स के फेस को आप लोग एक बार देखो, ऐसा लग रहा है कि दोनों काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि दोनों ही हमेशा गुस्से में होते हैं और दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बॉक्सिंग वगैरह कर सकते हैं। एक बार दोनों को इकट्ठा मैं फाइट करा के दिखा देता हूँ। ये रेड वाला रोबोट कुछ ज्यादा ही एडवांस मेरे को लगता है गाइस। देखो इसने तो ब्लू वाले रोबोट का बलून फोड़ के रख दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि इनके हाथों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शार्प पिन लगी हुई है, इससे ये किसी को भी मार के नीचे गिरा सकते हैं। अब ये रोबोट्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ, देखते हैं चार्ली रोबोट बम्बलबी रोबोट को हरा पाएगा या फिर नहीं। बम्बलबी रोबोट को बिल्कुल भी कम मत समझना, इसके चेस्ट के सेंटर में एक डिस्क थ्रोवर लगा है, एक बटन दबाने से यहाँ से ये डिस्क को फेंक सकता है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से। स्लो मोशन में ये थोड़ा थोड़ा नजर आती है, यहाँ से डिस्क पूरे खत्म हो चुके हैं, इसके अंदर अब डिस्क मैंने डाल दिए। देखते हैं गाइस दोनों में से कौन जीतता है, पहले बम्बलबी रोबोट ये चार्ली रोबोट के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क फेंक रहा है, पर चार्ली रोबोट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चार्ली रोबोट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती में मेरे को लग रहा है, पर बम्बलबी रोबोट इसके पावर ऑन ऑफ स्विच के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि ये स्विच ऑफ हो सके, पर यहाँ पे चार्ली रोबोट इससे भी ज्यादा मेरे को चालाक लग रहा है। देखो ये थोड़ा सा पीछे खिसक चुका है ताकि इसके ऊपर सही तरीके से अटैक ना हो सके। अब चार्ली रोबोट ने एकदम से इसके ऊपर अटैक कर दिया है, और भाई एक धक्के में ही इसने बम्बलबी रोबोट को नीचे पटक के रख दिया है। चार्ली रोबोट कुछ ज्यादा ही चौड़ा हुए जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते हैं अब चार्ली रोबोट ये बाहुबली रोबोट के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये चार्ली रोबोट के टक्कर वाला रोबोट मेरे को लगता है।
सकता है। साथ में इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स भी दिए गए हैं। ये दोनों ही रोबोट्स ने अपने हाथों को ऊपर उठाना चालू कर दिया है। मेरे को लग रहा है गाइस अब इनके बीच में मुक्केबाजी होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है। चार्ली रोबोट काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। तेरी भाई साहब, इसने एक मुक्के में ही बाहुबली रोबोट को चित करके रख दिया है। यहाँ पे बाहुबली रोबोट अब बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है। क्लियरली यहाँ पे विनर है अपना चार्ली रोबोट। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई ये इतना तेज मुक्का मार के ढेर कर सकता है। अब चार्ली रोबोट से फाइट करने के लिए आ चुका है डायनासोर रोबोट। देखते हैं गाइस क्या ये इसको हरा पाएगा या फिर नहीं। पहले ये अपने रॉकेट सिस्टम से इसके ऊपर शायद फायर करने वाला है। इसने फायर कर दिया भाई। अब देखो यहाँ पे बारी है चार्ली रोबोट की। चार्ली रोबोट ने इसका सर पकड़ लिया है। अब देखते हैं चार्ली रोबोट क्या करेगा। इसने वापस से मुक्का बना लिया है। मुक्का बना के गाइस इसने अपने लेफ्ट हैंड से एक पंच मारा है। उसके बाद यहाँ पे डायनासोर रोबोट की हालत खराब हो चुकी है। ये पूरी तरीके से चित हो चुका है भाई, ये बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है। ओ माय गॉड, ये चार्ली रोबोट तो काफी ज्यादा गजब की चीज है यार। अब चार्ली रोबोट से फाइट करने के लिए ये बलून रोबोट आ चुका है। ये हाइट कम फाइट ज्यादा वाला रोबोट है। देखो गाइस कितनी तेजी से ये इसके पैरों के ऊपर अटैक किए जा रहा है और इसके अंदर बहुत सारी शार्प पिंस भी लगी है। यहाँ पे चार्ली रोबोट ने अपना एक हाथ ऊपर कर लिया है। ओ माय गॉड, ये इसको धीरे धीरे करके पीछे ढकेल रहा है। अब इसके सर के ऊपर इसने वार करना स्टार्ट कर दिया है। दो वार इसने कर दिए। ओ भाई, तीसरे वार में इसने इसका सर फोड़ के रख दिया है पूरी तरीके से। मेरे को लगा था गाइस दोनों के बीच में टाई हो जाएगा क्योंकि ये बलून रोबोट बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से पंच कर सकता है, पर यहाँ पे चार्ली रोबोट ने इसका सर फोड़ के हरा के फेंक दिया है। अब ये मेरे पास E9.5 RC कार है। ये पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई कार है। ये बहुत ज्यादा भारी भरकम होती है। अब देखते हैं क्या बाहुबली रोबोट इसको खींच पाएगा या फिर नहीं। इसके पीछे मैंने एक रस्सी को बांध दिया है, साथ में वो रस्सी को कार के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अब मैं इसको चला रहा हूँ पर ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है यार। ये देखो अपने हाथ ऊपर करके भी इसको खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है पर यहाँ से कार हिल भी नहीं रही है। मेरे को लगता है इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये कार को यहाँ से हिला भी सके। अब मैंने सेम चीज रोबोट के साथ भी करके देखिए। डायनासोर रोबोट भी पूरी कोशिश कर रहा था इसको खींचने के लिए, ये रोबोट से भी ये काम नहीं हो पा रहा था। अब मैं लेके आ चुका हूं मेरे सबसे ज्यादा एडवांस रोबोट, ये है चार्ली रोबोट। चार्ली रोबोट के पैरों में मैंने रस्सी को बांध दिया है। चार्ली रोबोट बहुत आराम से इसको स्लाइड करके लेके जा रहा है। मेरे को लगा गाइस ये रोबोट भी इसको नहीं खींच पाएगा क्योंकि ये कार सच में बहुत ज्यादा भारी भरकम है, पर चार्ली रोबोट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर्स लगी है। इस वजह से भाई इसने E9.5 RC कार को भी बहुत आराम से खींच लिया है। तो गाइस आज की वीडियो में ये चार्ली रोबोट सभी रोबोट्स के ऊपर भारी पड़ चुका था। आने वाले दिनों में मैं इससे भी ज्यादा महंगा, इससे भी ज्यादा एडवांस रोबोट खरीदने वाला हूँ। देखते हैं तब ये चार्ली रोबोट वो रोबोट के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है राजीव, कैफ, ओम, तुहिन, शिवा, रचित, जुनेर, आनंद, तलहा, आदर्श। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।